नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर अतुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको धन एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कोई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल या पुट कैसे बाय और कैसे सेल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके साथ आप मिनिमम 5000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम 500 रुपीज़ कैसे अर्न कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने धन एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से आप रजिस्टर करोगे तो 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको 0 लगेगा और जो भी आप ट्रेड करेंगे उसका ब्रोकरेज आपको लगेगा। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। तो दोस्तों, जब भी हम ऐप ओपन करेंगे तो हमारे सामने होम का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाजू में जो वॉच लिस्ट है वो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए हमें फर्स्ट वॉच लिस्ट और FNO, जैसे FNO दिखता है FNO पे क्लिक करना है। FNO पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस पर जाना है। अभी निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 18738। तो मान के चलो मुझे अभी 18700 का कॉल बाय करना है, तो मैं FNO पे जाऊंगा, ऑप्शन चेंज करूंगा निफ्टी का। और देखो यहाँ पर मुझे नीचे जाएंगे आप तो 18700 का कॉल मुझे 40 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन चेन है इसके लेफ्ट साइड पर कॉल की प्राइस रहती है और राइट साइड पर पुट की प्राइस रहती है। मतलब हमें अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदना है, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे आएगा तो हम पुट खरीदी करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी ये बाय कैसे करना है ये पहले हम सीख लेते हैं। देखो अभी ये 18700 का जो कॉल है वो 40 रुपये, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ये पेज ओपन होता है, इस पेज पर हमें बाइंग जो नीचे दिखा है एक रेड कलर और ग्रीन कलर में बाइंग करना है तो बाइंग पर क्लिक करो। बाइंग पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नॉर्मल ही रखना है, नॉर्मल रखने का नीचे लॉट साइज 1, 2, 3 जो आप जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हो, पर अगर मैं एक लॉट से मैं काम करता हूँ आप एक लॉट से काम करो। प्राइस जो रहेगा वो मार्केट प्राइस रहेगा बाइंग के लिए, अगर आपको खुद की प्राइस चाहिए तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और नीचे हमें ये जो ग्रीन कलर का बाइंग दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है तो आपका इमीडिएटली आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा और आपका ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। यदि आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना है, अभी वो जो कॉल या पुट लिया था वो हमें सेल करना है तो अगेन उस पर जाना है। अगेन उस पर जाके देखो वापस यहाँ पर जाना है, 18700 का स्क्रिप्ट जाना है, यहाँ पर रेड कलर बटन प्रेस करना है, नॉर्मल पे क्लिक करना है, 1 क्वांटिटी रखना है मार्केट और प्लेस करना है, आपका पोजीशन स्क्वेयर अप हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पोजीशन स्क्वेयर अप जाएगा, मतलब आपने एक कॉल लिया, एक कॉल बाय किया और एक कॉल सेल भी किया तो आपका पोजीशन स्क्वेयर अप हो जाएगा। ठीक है, ये था आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए कैसे बाय और कैसे सेल करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी में आपको ना कोई टेक्निकल एनालिसिस है, ना फंडामेंटल है, ना कोई चार्ट या कोई कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको आपके 10 में से 8 ट्रेड सक्सेस होगी, ये मेरा मानना है। तो वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा इंडियन मार्केट जो स्टार्ट होता है 9:15 बजे,
लेकिन 9 बजे से प्री ओपन सेशन चल होता है और 9:08 पर वो सेटल होता है और उसके बाद हमें 9:15 में हमारा मार्केट चालू होता है। लेकिन आपको क्या करना है, 9 बजे तक आपको ये देखना है कि SGX निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर है, मतलब 50 पॉइंट अप या डाउन जो भी हो वो हमें पहले देखना है। उसके अनुसार हमें ये तो क्लियर होता है कि आज हमारा मार्केट एक 40-50 पॉइंट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये पहला हमें क्लियर करना है, तभी जाके हमें दूसरा पॉइंट हमें लेना है। तो समझो, जब ये हमें लगता है कि आज निफ्टी 70 पॉइंट अप होने वाला है ओपनिंग, तो हमें क्या करना है, 9:15 पर पहला टिक, 9:15 पर जो भी एक कॉल आपको सिलेक्ट करना है, इन द मनी का कॉल सिलेक्ट करना है, वो भी लिख के दो, इन द मनी एटीएम आईटीएम का आपको कॉल लेना है, जो भी प्राइस हो उस प्राइस पे आपको खरीदना है 9:15 शार्प 1 टिक पर, और वही कॉल समझो आपने लिया 90 रुपीज़ पर 9:15 पे, बराबर। तो वही कॉल अगर 2-3 मिनट में आपको 95 या 98 पर आने के बाद आपको पोजीशन एग्जिट करना है, आपको एग्जिट करना है उसी 3-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, मैं आप लिखता हूँ 5 मिनट आपको पोजीशन एग्जिट करना है। तो अगर आपने 8 पॉइंट भी निकला तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 400 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज निफ्टी 60-70 पॉइंट माइनस होगा, निफ्टी 60-70 डाउन होगा, तो हमें इन द मनी का पुट बाय करना है। यहाँ पर हमें इन द मनी का पीई बाय करना है और सेम प्रोसेस पे 90 पर लिया, 90 पे बाय और 96-97 पर सेल, तो इसमें आपको 300-400 रुपये मिल जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये हार्डली 5 मिनट का, उसके बाद आपको मार्केट में रहना नहीं है, आपको एग्जिट होना है। फिर वो 90 का कॉल 120 जाए, 130 जाए, कुछ भी जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो अगर मार्केट घूम गया तो 90 रुपये का जो कॉल या पुट रहता है वो सीधा 60-70 रुपये पे आता है, हमें वो रिस्क नहीं लेना है, हमें सिर्फ वो मोमेंट पकड़ना है और वो मोमेंट में हमें बाहर निकलना है। और यही स्ट्रैटेजी हमको मार्केट ख़त्म होते होते 2:30 के बाद, अगर मार्केट अप है तो 2:30 हमें एक कॉल बाय करना है, सीई बाय करना है, और 3 PM को एग्जिट होना है, 3 PM को एग्जिट होना है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको आराम से मिनिमम मैक्सिमम आप देखो मगर मिनिमम 500 रुपीज़ ईजी मिल जाएंगे। आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखिए, आपको फ़ायदा ही होगा, ये आप लिख के लीजिए। दोस्तों, मैंने दी हुई जानकारी से अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल रही हो, वो कुछ आपको हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
जैसे कि मैं आपको हर एक स्ट्रेटेजी, डेली अपडेट, न्यूज़ और निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली प्रेडिक्शन आपके पास पहुंचाने में मैं हेल्प मदद करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।